अगर आप मेल देखेंगे, एक ह्यूमन मेल, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक भी होता है. इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड एज. ओके, बट इन केस ऑफ फीमेल फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स ड्यू टू मेनोपॉज. वो एक डिफरेंस होता है. इसका मतलब ह्यूमन मेल्स दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म टिल द ओल्ड एज, बट फीमेल में वो नहीं होता है. फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स. समझ में आया? तो ये तुम्हारा एक मेन डिफरेंस है. इट इज तुम्हारा मेन डिफरेंस है. ओके, शुभम, गुड मॉर्निंग. ओके, तो यही जो पॉइंट तुम्हें बोल रहा था. ओके, ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, जितने भी सारे तुम्हारे जो इवेंट्स हैं, व्हाट एवर इवेंट्स वी हैव, ठीक, ऑल इवेंट दे अकर आफ्टर पुबर्टी. दिस रिपोर्टिंग इवेंट्स अकर आफ्टर पुबर्टी, बट फीमेल में एक्सेप्शन होता है. बच्चा लोग, इन फीमेल ओजेनेसिस स्टार्टेड इन द फिटल स्टेज. याद रखना. एरिमिनाटी, गुड मॉर्निंग. एरिमिनाटी, गुड मॉर्निंग. ओके, समझ में आएगी नहीं? इनसाइड बुक में लिखा है दिस इवेंट्स अकर आफ्टर पुबर्टी, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है. फीमेल में गैमेटोजेनेसिस तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा फिटल स्टेज तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है. बच्चा, देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल इन द फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा था स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मेन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन द वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 इयर्स. बोल रहा था मैं, फीमेल में 50 इयर्स के बाद फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं होता है. तुम्हारा क्या? ओवम. समझ में आया? वो स्टॉप हो जाता है मेनोपॉज. ओके, रोकाड़े, गुड मॉर्निंग. समझ में आ गया? तो दीज आर द इवेंट्स होता है. तो अब मेरे को बताओ, तो पहले हम तुम्हारा स्टार्ट करेंगे मेल सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मेल. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक, तो मेरे को बताओ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पहले मेरे को बताओ ये कहां पे होता है. अगर हम देखेंगे इसका लोकेशन कहां पे है, वेयर द सिस्टम प्रेजेंट. एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये कहां पे होता है. एनीवन रिप्लाई, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेल, मतलब ह्यूमन मेल में कौन से जगह में, बॉडी के कौन से एरिया में ये ऑर्गन सब होते हैं, जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं. एनीवन रिप्लाई? यस, वेरी गुड. इन द पेल्विक रीजन. इन द पेल्विक रीजन. ठीक, तो ह्यूमन का जो होता है पेल्विक रीजन, मतलब तुम्हारा पेल्विक बोन जहां पे तुम्हारा है, जहां पे तुम्हारा इलियम इस्चियम पिबिस बोन है, उसको हम पेल्विक बोन एरिया बोलते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड तुम्हारा लोअर एब्डोमिनल कैविटी. तो उस एरिया में तुम्हारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हमें बताओ. अगर हम देखेंगे इसमें क्या क्या सब पार्ट्स है, व्हाट आर द पार्ट्स, इसमें क्या क्या तुम्हारा पार्ट्स सब है. ठीक, ओके, तो इसके पार्ट्स तुम्हारा क्या क्या है. तुम्हारा एक हम देखेंगे तुम्हारा कौन सा तुम्हारा पार्ट सब है. पहले तुम्हारा तो है स्क्रोटम है एक. ठीक, वी हैव अ स्क्रोटम. स्क्रोटम के अंदर तुम्हारा होता है टेस्टिस. ठीक, देन वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक, वी हैव अ पेयर ऑफ स्क्रोटम, इसमें है ए पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक, देन वी हैव सम एसेसरी डक्ट्स. We have some, याद रखना ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो ह्यूमन मेल में तुम्हारा क्या होता है, टेस्टिस इज द तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तुम्हारा है. टेस्टिस तुम्हारा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी जो भी है ऑल आर द सेकेंडरी ऑर्गन. बिकॉज टेस्टिस का फंक्शन तुम्हारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. टेस्टिस जो तुम्हारा होता है मेल में तुम्हारा होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन.
बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओवम सॉरी स्पर्म एंड द एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. बिसाइड दैट रिमेनिंग ऑल आर द सेकेंडरी ऑर्गन्स. ठीक, तो इसमें आता है तो एसेसरी डक्ट्स. तो मेरे को बताओ क्या क्या होता है एसेसरी डक्ट्स में, वन बाय वन. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेसरी डक्ट्स? मतलब ये डक्ट के जरिए तुम्हारा स्पर्म ट्रांसपोर्ट होता है. थ्रू द डक्ट स्पर्म ट्रांसपोर्ट्स. तो एनीवन रिप्लाई, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट्स? व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एसेसरी डक्ट्स? पहले क्या होता है? यस, पहले तुम्हारा होता है रेटी टेस्टिस. पहले हमारा होता है रेटी टेस्टिस. ओके, पहले हमारा होता है रेटी टेस्टिस. ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है? पहले तुम्हारा रेटी टेस्टिस, उसके बाद रिप्लाई करो वन बाय वन. एसेसरी डक्ट्स में पहले हमारा आता है रेटी टेस्टिस. ठीक, उसके बाद बच्चा लोग स्पर्म तुम्हारा कहां पे जाता है? तुम्हारा भाषा इफरेंसिया. तो डायग्राम इसको समझा दूंगा, भाषा इफरेंसिया. ठीक, उसके बाद एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस देन भास डिफरेंस. ठीक, तो इसको हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स. हम बोलते हैं तो रेडियो टेस्टिस. ठीक, इट इज ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स. देन तुम्हारा भाषा इफरेंसिया. ठीक, एपिडिडिमिस देन भास डिफरेंस. तो स्क्रोटम गया तुम्हारा, टेस्टिस गया, एसेसरी डक्ट्स तुम्हारा गया. ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या पार्ट्स तुम्हारा होता है? व्हाट आर अदर पार्ट्स? ठीक, उसके बाद तुम्हारा होता है इजैकुलेटरी डक्ट रहता है, वी हैव द नेक्स्ट पार्ट. देन तुम्हारा रहता है उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट्स. ठीक, इजैकुलेटरी डक्ट्स. उसके बाद तुम्हारा क्या रहता है? उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? उसके बाद स्पर्म तुम्हारा आ जाएगा. तुम्हारा कहां पे? यूरेथ्रा में तुम्हारा आ जाएगा, यूरेथ्रा. ठीक, तो इजैकुलेटरी डक्ट्स, यूरेथ्रा. उसके बाद हमारे पास हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारा पेनिस के बारे में डिस्कशन करेंगे. सॉरी, यूरेथ्रा बचा है, यूरेथ्रा. ठीक, उसके बाद तुम्हारा पेनिस. पेनिस को हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटालिया. एक्सटर्नल जेनिटालिया. ठीक, उसके बाद तो ये तो तुम्हारा ऑर्गन सब हो गए. ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? सम एसेसरी ग्लैंड्स आर देयर. वी हैव द एसेसरी ग्लैंड्स. तो मेरे को क्या क्या ग्लैंड्स हमें बताओ. व्हाट आर द ग्लैंड्स इन द मेल सिस्टम में? पहले हमारा क्या होता है? वी हैव ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. वी हैव ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. सेमिनल वेसिकल्स. वी हैव ए सिंगल प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक, एंड वी हैव ऑल्सो ए पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड्स. वी हैव काउपर्स ग्लैंड्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. ठीक, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल सिस्टम. ठीक, तो वी हैव ए स्क्रोटम. हमारे पास एक स्क्रोटम है, देन टेस्टिस है, देन एसेसरी डक्ट्स में पहले आ गया रेटी टेस्टिस, भाषा इफरेंसिया, एपिडिडिमिस, भास डिफरेंस. ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? ए पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट्स आएगा, देन यूरेथ्रा, देन पेनिस और एक्सटर्नल जेनिटालिया. देन व्हाट वी हैव? वी हैव द एसेसरी ग्लैंड्स. एसेसरी ग्लैंड्स आएगा. इसमें तुम्हारा क्या होता है? वी हैव ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल्स. ठीक, लेकिन प्रोस्टेट तुम्हारा सिंगल होता है, देन काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. समझ में आया?
सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें तुम्हारा टेस्टिस तुम्हारा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी जितने भी तुम्हारा रह गए स्क्रोटम डक्ट्स ऑल आर द सेकेंडरी सेक्सुअल। यस कपिल बेटा गुड मॉर्निंग। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम तुम्हारा स्टार्ट करते हैं कहां से, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द स्क्रोटम से जाएंगे। वी डिस्कस अबाउट द स्क्रोटम। स्क्रोटम थोड़ा डिस्कस हम करेंगे। एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा हम डिस्कस हम करेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम तुम्हारा क्या है बच्चों, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के बाहर होता है, ठीक। इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन। मेरे को बताओ व्हाई स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, व्हाई नॉट इनसाइड द एब्डोमेन? एनीवन रिप्लाई? स्क्रोटम तुम्हारा एब्डोमेन के बाहर होता है और उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। यस, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। देखो अगर हम स्क्रोटम का बात हम करेंगे, स्क्रोटम का अगर हम बात करेंगे, सपोज एक स्क्रोटम हो गया, ठीक, स्क्रोटम समझाने के लिए ले रहा हूं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो बाहर से एक सिंगल सैक की तरह है, स्क्रोटम एक सिंगल सैक की तरह है, लेकिन स्क्रोटम के अंदर एक पार्टीशंस होता है, एक सेप्टम होता है, ठीक। सेप्टम ये क्या करता है, इट डिवाइड द स्क्रोटम इनटू टू स्क्रोटल सैक। स्क्रोटम सिंगल तुम्हारा है बट अंदर में दो सैक है, ठीक, और इच सैक में वन वन टेस्टिस है। यहां पर एक टेस्टिस है, यहां पर तुम्हारा टेस्टिस है, ठीक, और ये तुम्हारा ऐसा ऊपर की तरफ गया है, एक कैनाल जैसा तुम्हारा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्क्रोटल सैक, ये हो गया हमारा स्क्रोटल सैक। इस सैक में तुम्हारा क्या है, वी हैव वन वन टेस्टिस, ठीक। इसको स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्क्रोटल सेप्टम और पार्टीशन, ठीक। इसको थोड़ा मैं निकाल देता हूं, तो ये तुम्हारा स्क्रोटम तुम्हारा ऐसा गया है तुम्हारा, ठीक, ये तुम्हारा एब्डोमेन से हैंगिंग हुआ है, ये तुम्हारा सब एब्डोमेन एरिया हो गया, एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब स्क्रोटम का कनेक्शन है एब्डोमेन के साथ। ये तुम्हारा एब्डोमिनल, सपोज बच्चा ये तुम्हारा हो गया एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ठीक। तो ये जो स्क्रोटल सैक है एब्डोमेन से कनेक्शन है, ये कैनाल को हम बोलते हैं, कैनाल जैसा तुम्हारा गया दोनों साइड में, इसको हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल, इसको हम बोलते हैं इंगुइनल कैनाल, ओके। एक्चुअली तुम्हें क्या होता है, इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ में, इन द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जो टेस्टिस तुम्हारा होता है, ये तुम्हारे एब्डोमेन के अंदर फॉर्मेशन होता है, इनसाइड द एब्डोमेन ये फॉर्म होता है, जस्ट नियर द किडनी, याद रखना। जब टेस्टिस फॉर्मेशन तुम्हारा होता है इन द इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इनसाइड द यूटरस ऑफ द मदर, जब फिटस रहता है तब ये फॉर्मेशन होता है, एट दैट टाइम ये तुम्हारे एब्डोमेन के अंदर रहता है, जस्ट नियर द किडनी, किडनी के नजदीक तुम्हारा रहता है टेस्टिस, बट जस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और जस्ट आफ्टर बर्थ ये तुम्हारा नीचे चले आता है, इट डिसेंड्स डाउन थ्रू दिस इंग्विनल कैनाल एंड कम टू द स्क्रोटल सैक। समझ में आया? तो टेस्टिस ऑफ द बोथ द साइड टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी और जस्ट आफ्टर बर्थ क्या होता है, दे डिसेंड डाउन्स एंड दे कम टू द स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम। इसका रीजन तुम्हारा क्या है, बिकॉज एब्डोमेन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, देयर इज 37 डिग्री सेल्सियस, और इन दैट हाई टेम्परेचर तुम्हारा स्पॉन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पे स्क्रोटम में तुम्हारा आ जाएगा, यहां पे लोड होता है तुम्हारा टेम्परेचर, मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर,
अगर यहाँ पे 37 है तो यहाँ पे कितना होगा, 34.5 to 35 डिग्री होगा यहाँ पे टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, स्पर्माटोजेनेसिस। इन दैट लो टेम्परेचर तुम्हारा क्या होगा, होगा तुम्हारा स्पर्माटोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस। समझ में आया? बिकॉज हाई टेम्परेचर में तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन तुम्हारा नहीं हो सकता, तो दैट इज द रीजन। लेकिन तुम्हारा क्या होता है, सम टाइम्स टेस्टिस नीचे नहीं आता है, वो तुम्हारा एब्डोमेन में ही रह जाता है। टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, व्हाट द कंडीशन इज कॉल्ड, याद रखना, सम टाइम्स, सम टाइम्स व्हाट हैपन, टेस्टिस दे फेल टू डिसेंड, वो तुम्हारा एब्डोमेन में और नहीं, सॉरी, स्क्रोटम में नहीं आएंगे। यस, क्रिप्टोचिडिज्म, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं। एक कंडीशन तुम्हारा है बच्चों, उसको हम बोलते हैं ठीक, इट इज कॉल्ड क्रिप्टोचिडिज्म। मतलब टेस्टिस फेल टू डिसेंड, टेस्टिस दे रिमेन इनसाइड द एब्डोमेन, वो एब्डोमेन में ही रह जाएंगे ठीक। तो इसका सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, इसका मतलब तुम्हारा हुआ यस, टेस्टिस फेल टू डिसेंड, ओके, फेल टू डिसेंड, नीचे नहीं आएगा, यस, और चिपेक्सी, इसका हम सर्जिकल करेक्शन हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्चिपेक्सी ठीक। ऑर्चिपेक्सिस का तुम्हारा किया जाता है, ऑर्चिपेक्सी मतलब सर्जिकली, यस संबित गुड मॉर्निंग, सर्जिकली हम क्या करते हैं, उसको हम टेस्टिस को तुम्हारा लाते हैं एब्डोमेन से स्क्रोटम में। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया ऑल अबाउट द स्क्रोटम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एनिमल होते हैं तुम्हारा, उनमें स्क्रोटम वेस्टिजियल होता है, देयर आर सम एनिमल्स वेयर स्क्रोटम इज वेस्टिजियल, उन एनिमल में तुम्हारा क्या होता है, स्क्रोटम वेस्टिजियल होता है ठीक, और रूडिमेंटरी होता है। तो उनका जो टेस्टिस तुम्हारा क्या होता है, एब्डोमेन में रहता है विदाउट एनी डिफेक्ट। तो देयर आर सम एनिमल्स वेयर स्क्रोटम एब्सेंट और स्क्रोटम वेस्टिजियल, और स्क्रोटम तुम्हारा रूडिमेंटरी, तो उन एनिमल्स में तुम्हारा टेस्टिस परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर रहता है। तो एनिमल लाइक तुम्हारा ऐसे कि एलिफेंट हो गया ठीक, एनिमल लाइक तुम्हारा बच्चा हो गया एलिफेंट ठीक, तुम्हारा व्हेल ठीक, तुम्हारा सील। सो दीज आर सम एनिमल्स, एलिफेंट व्हेल सील सम एनिमल्स, इन एनिमल में स्क्रोटम तुम्हारा वेस्टिजियल और एब्सेंट ओके। कुछ ऐसे भी एनिमल तुम्हारा है, उनमें क्या होता है, टेस्टिस तुम्हारा थ्रू आउट द ईयर एब्डोमेन में रहता है ठीक, लेकिन एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग वो तुम्हारा स्क्रोटम में आ जाता है। इन दोज एनिमल स्क्रोटम इज प्रेजेंट, बट टेस्टिस एब्डोमेन में रहता है थ्रू आउट द सीजन, बट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग सीजन और एट द टाइम ऑफ मेटिंग वो तुम्हारा डाउनवर्ड होता है। तो कौन सा एनिमल तुम्हारा है, जैसे कि तुम्हारा होता है बैट, एक तुम्हारा होता है बैट होता है, एक होता है तुम्हारा ऑटर होता है। तो दीज आर सम एनिमल्स, बैट ऑटर, इन दीज एनिमल्स व्हाट हैपन, जो होता है तुम्हारा टेस्टिस थ्रू आउट द सीजन एब्डोमेन में रहता है, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम में स्क्रोटम में आता है ठीक। तो ये कुछ तुम्हारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, देख लो स्क्रोटम के बारे में, समझ में आ गया? अगर कुछ तो स्क्रोटम का ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यही है, स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के बाहर होता है टू मेंटेन द लो टेम्परेचर। अरे यस धर्मेश गुड मॉर्निंग, इन दैट लो टेम्परेचर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ऑल क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया अबाउट स्क्रोटम के बारे में ठीक। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा, कमेंट में लिखो, आई विल रिप्लाई, जस्ट कमेंट में कीवर्ड लिखो कि डाउट क्या है, आई विल रिप्लाई रिगार्डिंग स्क्रोटम। ठीक है, तो नेक्स्ट समझाते हैं। आफ्टर स्क्रोटम द नेक्स्ट पार्ट इज द टेस्टिस, नेक्स्ट पार्ट इज द
टेस्टिस, ये उसका सिंगुलर फॉर्म हो गया, उसका प्लूरल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, टेस्टिस, ईएस, ठीक, टेस्टिस। तो जस्ट हमने डिस्कस किया, टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम, ये अगर स्क्रोटम है, ठीक, तो ये तुम्हारा पार्टीशंस है, तो वी हैव ए पेयर ऑफ टेस्टिस इनसाइड द स्क्रोटम, ठीक, ओके। सो टेस्टिस का शेप तुम्हारा क्या आ गया बताओ, और इसका शेप हम देख लेंगे, तो ओवल शेप आ गया, ओवल शेप, ठीक। एक टेस्टिस का लेंथ कितना हो सकता है, लेंथ, एनीवन रिप्लाई, टेस्टिस का शेप हो गया ओवल शेप टेस्टिस, ठीक, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द टेस्टिस, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, एक टेस्टिस का लेंथ कितना होगा, टेस्टिस का लेंथ कितना होगा, यस 4 to 5 सेंटीमीटर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक। इसका विथ कितना होगा, विथ लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और उसका अगर वेट हम देखेंगे, वजन, वेट, मेरे को बताओ एक टेस्टिस का वेट कितना होता है, अगर टेस्टिस का मेजरमेंट वेट लेंगे एडल्ट में, यस वेरी गुड, ऑलमोस्ट 15 ग्राम, समझ में आ गया। तो टेस्टिस जो ओवल शेप स्ट्रक्चर, उसका लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, उसका विथ होता है, यस निवेदिता गुड मॉर्निंग, वेट होता है तुम्हारा 15 ग्राम, ठीक, ओके। ये जस्ट उसका डायमेंशन क्या क्या हो गया टेस्टिस के बारे में, ठीक। और याद रखना बच्चा लोग, टेस्टिस जो तुम्हारा होता है ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो तुम्हारा स्पर्म फॉर्मेशन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये तुम्हारा रिलीज करता है, ठीक, ओके। अगर अब हम देखेंगे इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक, अगर हम देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर, हम देखेंगे एक ले लिया जाए तुम्हारा एलएस, ले लिया जाए एलएस ऑफ टेस्टिस, ले लिया जाए डिस्कस करने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस हम ले लेते हैं, ठीक, वी टेक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस हमने ले लिया डिस्कस के लिए, ठीक, हमने ही ले लिया, ठीक, टेस्टिस हमने उसका ले लिया एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, मेरे को पता टेस्टिस का कवरिंग को क्या बोलते हैं, बिकॉज एवरी ऑर्गन से प्रोटेक्टिव कवरिंग, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं ऑल ऑर्गन से प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो टेस्टिस में भी तुम्हारा कवरिंग है, ठीक। अगर हम उसका कवरिंग का बात करेंगे, टेस्टिस का आउटर मोस्ट पार्ट अगर हम जाएंगे, आउटर मोस्ट पार्ट, तो आउटर मोस्ट पार्ट में बच्चा तुम्हारा क्या है, एक कवरिंग है, किसका, पेरिटोनियम का कवरिंग है, डबल लेयर पेरिटोनियम का कवरिंग होता है, ऑन द आउटर साइड ऑफ टेस्टिस वी हैव अ कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, नो गलत आंसर, सिद्धार्थ ने लिखा है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, मैं उसका आउटर मोस्ट पार्ट का बात बता रहा हूं, आउटर मोस्ट पार्ट, ट्यूनिका अल्बुजिनिया इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, लेकिन ये जो तुम्हारा है इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पेरिटोनियम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये डबल लेयर बच्चों, डबल लेयर, इट इज कॉल्ड व्हाट, ये वाला, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनालिस, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक। इसमें तुम्हारा वाटर लिक्विड तुम्हारा फ्लूइड रहता है, ये पेरिटोनियम का डबल कवरिंग है, ठीक, लेकिन इसके पीछे साइड में ये नहीं रहता है, ओनली ये जो कवरिंग होता है इट कवर्स द ओनली द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, इसका फ्रंट में ये तुम्हारा कवरिंग रहता है, बैक साइड में नहीं रहता है, क्योंकि बैक साइड में हमारा क्या होता है, यहाँ पे एपिडिडिमिस रहता है, समझ में आया, इन द बैक साइड वी हैव द एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस, तो क्या ओनली फ्रंट में इसका कवरिंग है, ये ट्यूनिका वेजिनालिस हो गया, ओके, समझ में आया। समटाइम्स तुम्हारा क्या होता है, सपोज तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, जोर से तुम्हारा फुटबॉल लग गया टेस्टिस में, तो क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है,
यहाँ पे फ्लूड जमा, इसका स्विलिंग हो जाता है, उसको हम हाइड्रोसील बोलते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसील, हाइड्रोसील। तुमने वर्ड सुना होगा हाइड्रोसील, इसमें तुम्हारा क्या होता है, यस रितिका बेटा गुड मॉर्निंग, रितिका गुड मॉर्निंग, हाइड्रोसील में बता रहा था, सपोज तुम कुछ फुटबॉल खेल लो, कोई गेम खेल लो, कुछ लग गया टेस्टिस में, स्क्रोटम में, वो फूल जाता है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन तुम्हारा इन्फ्लामेशन हो जाता है, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके बाद में जो तुम्हारा लेयर आएगा, बाद वाला जो लेयर, ठीक, उसके बाद वाला जो लेयर तुम्हारा, यहाँ पे जो तुम्हारा लेयर आएगा, उसके बाद जो लेयर तुम्हारा आएगा, ठीक, इसको हम बोलेंगे तुम्हारा क्या, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। जस्ट मैं ले रहा हूं यहां पे समझाने के लिए। तो ये वाला जो लेयर तुम्हारा आएगा, इसके बाद वाला, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, थोड़ा मोटा ले लेते हैं समझाने के लिए, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक। ये जो लेयर है इसको हमने बोला ट्यूनिका अल्बुजिनिया, टेस्टिस का ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक। तो ये जो लेयर तुम्हारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया तुम्हारा है, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव, याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यस इति, हाय बेटा गुड मॉर्निंग, हम डिस्कस कर रहे हैं टेस्टिस का एलएस के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, आउटर मोस्ट लेयर है डबल लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस। वाणी गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारा हो गया ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, ओके। अब तुम्हारा क्या होता है, देखो यहां पे, फ्रॉम डेंस कनेक्टिव टिश्यू एराइजेस पार्टीशंस, पार्टीशंस अब निकलता है, इसको सेप्टा हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सेप्टा, सब यहां पे पार्टीशंस अब निकलता है, पार्टीशंस, दीज आर कॉल्ड सेप्टा पार्टीशंस। वो क्या करते हैं, दे डिवाइड द टेस्टिस इंटू कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स रूम, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, दीज आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस में कितने होते हैं कॉम्पार्टमेंट्स, रिप्लाई इन द कॉमेंट बॉक्स, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, टेस्टिस कॉन्टेन्स हाउ मेनी टेस्टिकुलर यस बेटा आई विल इन्फॉर्म, ठीक। इति बेटा गुड मॉर्निंग, आपकी क्लास डेली इसी समय पे होती है क्या? एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारा जो नीट के बैच में क्लास लेता हूँ, मैं तुम्हारा ट्वेल्थ का, आज मैंने ये फर्स्ट क्लास लिया है तुम लोगों का, ठीक, ओके, हाँ यस वेरी गुड। तो एक टेस्टिस के अंदर, एडल्ट टेस्टिस में देर आर 250 कंपार्टमेंट्स, उनको हम बोलते हैं बच्चे लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो कंपार्टमेंट तुम्हारा है इट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक, ये जो कंपार्टमेंट, ठीक। एक टेस्टिस में तुम्हारा कितना होता है, लगभग तुम्हारा होता है 250 होता है। यस अर्जुन सिंह बेटा नमस्ते गुड मॉर्निंग, ठीक, समझ में आया। तो अब यहां पे तुम देखो तो इसमें होता क्या है बताओ, ये कंपार्टमेंट में सब क्या सब है यहां पे, व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट हियर, इच कंपार्टमेंट कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक, अगेन रिपीटिंग, ये जो कंपार्टमेंट यहां पे होता है, कंपार्टमेंट तुम्हारा यहां पे सब, दे कंटेन्स इच कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ओके। देखो एक डायग्राम में कर दे रहा हूं यहां पे, सो इनसाइड इच कंपार्टमेंट्स यहां पे तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सब है यहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, तो लाइक दिस, इट्स कंपार्टमेंट कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। मैंने एक एक ड्रॉ किया है, तो इनका नंबर 1 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स,
So these are the seminiferous tubules. These are seminiferous tubules. ठीक, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, समझ में आया? ओके, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, देखो इसका जो ऊपर वाला एंड ये तुम्हारा क्लोज है, ये वाला एंड तुम्हारा क्या है, क्लोज है, ये वाला पार्ट क्लोज है, ये वाला पार्ट ओपन है, तो इनको हम ब्लाइंड ट्यूबल्स बोलते हैं. दीज आर द ब्लाइंड ट्यूबल्स. सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर ब्लाइंड ट्यूबल्स बिकॉज उनका जो एक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या इनका है, क्लोज है, ये वाला पार्ट ओपन है. ठीक, ब्लाइंड ट्यूबल्स. ओके, इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, पढ़ेंगे हम बाद में. ओके, अब देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होता है, उनका जो ओपन एंड सब क्या होता है, मिल जाते हैं, दे यूनाइटेड. ठीक, एंड दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस. ये नेटवर्क जो बन जाता है इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, हो गया रेटी टेस्टिस. मतलब उनका जो ओपन एंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबल, दे एंटर इनटू ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस. अंडरस्टूड? ओके, अब क्या होगा, देखो यहां पे ये जो रेटी टेस्टिस फॉर्मेशन हो गया, ठीक, यहां से कुछ फाइन ट्यूब्स निकलेंगे, कुछ फाइन ट्यूब्स निकलेंगे यहां से. ठीक, कुछ ट्यूब्स निकलेंगे, फाइन ट्यूब्स यहां से, इनको हम बोलेंगे भाषा इफरेंशियल. इनको हम बोलेंगे भाषा इफरेंशियल. ये रेटी टेस्टिस, ये भाषा इफरेंशियल. ठीक, अब तुम्हारा क्या होगा, भाषा इफरेंशियल दे जॉइन इनटू ए हाईली कॉइल्ड ट्यूब. यहां पे तुम्हारा क्या होता है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है. ठीक, उसको हम तुम्हारा क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस. ठीक, ये तुम्हारा हो गया हाईली कॉइल्ड ट्यूब. ठीक, यस, इट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस. इसको बच्चे बोलते हैं एपिडिडिमिस बोलते हैं. समझ में आया? ये हो गया रेटी टेस्टिस, ये हो गया भाषा इफरेंशिया, ये हो गया एपिडिडिमिस. ठीक, अब एपिडिडिमिस तुम्हारा क्या करेगा, इट एंटर्स इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब. एक स्ट्रेट ट्यूब में तुम्हारा एंटर करेगा. ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, भास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट. समझ में आया? इसको हम बोलेंगे भास डिफरेंस, भास डिफरेंस. ठीक, भास डिफरेंस, ये हो गया एपिडिडिमिस. ठीक, ये जो पार्ट तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस, इसको हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस. समझ में आया? ये वाला पार्ट रेटी टेस्टिस हो गया. बच्चा लोग, ये तुम्हारा हो गया भाषा इफरेंसिया. कौन सा? ये वाला पार्ट, ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स हो गए. ठीक, इनको बोलेंगे भाषा इफरेंसिया, इफरेंसिया. ठीक, देखो डिफरेंस, देखो ये भाषा इफरेंसिया, ये तुम्हारा भास डिफरेंस. ठीक, ओके, ये जो तुम्हारा हाईली कॉइल्ड ट्यूब तुम्हारा, इसको बोलेंगे एपिडिडिमिस बोलेंगे. इट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस, इट इज कॉल्ड एपिडिडिमिस. इसको थोड़ा मैं वॉमिट कर दे रहा हूं. एपिडिडिमिस हो गया, ये होता है हेड ऑफ द एपिडिडिमिस. ठीक, इसको हम बोलते हैं कैपुट, इसको हम बोलते हैं कैपुट एपिडिडिमिस. कैपुट मतलब इसका होता है हेड, हेड को कैपुट बोलते हैं. ठीक, ये उसका बॉडी हो गया, ये उसका मेन बॉडी, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस, कॉर्पस. ये उसका टेल हो गया, इसको हम बोलते हैं कॉडा. तो एपिडिडिमिस से थ्री पार्ट्स, एक होता है कैपुट, एक होता है कॉर्पस, एक होता है कोडा. तो दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडिमिस. एपिडिडिमिस, तो ऑल क्लियर? सो ये तुम्हारा डिटेल में हम डिस्कस हमने कर लिया. एलएस,
लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पेस्टिस, अगर किसका डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। लोग एक बार क्विक रिविजन हम कर दे रहे हैं, बहुत से बच्चे न्यूली दे ज्वाइंट, तो ये तुम्हारा बच्चा लोग एलएस ऑफ द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है टेस्टिस का, इट इज ए डबल लेयर्ड पेरिटोनियम, उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक। ये ओनली फ्रंट पार्ट में होता है, बैक में नहीं होता, बिकॉज बैक में तुम्हारा एपिडिडिमिस होता है। उसके बाद तुम्हारा आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोड्यूसेस पार्टीशंस, उसको हम सेप्टा बोलते हैं। ये पार्टीशन अब तुम्हारा दिया सेप्टा, तो डिवाइड इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स, मेनी कंपार्टमेंट्स टेस्टिकुलर लोबल्स बोलते हैं। ईच हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट टेस्टिस में होता है, ठीक। ईच कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब लीड इनटू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब, उसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। देन तुम्हारा वेरी स्मॉल सिलिएटेड ट्यूब्स नासा इफरेंसिया, देन हाईली कॉइल्ड एपिडिडिमिस caput, corpus and coda, tell. Then it leads into a straight tube, that is called vas deferens. Okay, so this much is enough for the testis. अगर किसी का doubt है तो comment box में keyword करो, I will discuss. अगर कुछ doubts है तो comment करो comment box में and I will explain. Any doubt? I think कोई doubt नहीं है इसमें, नहीं? ठीक, कोई doubt नहीं है। तो ये जो तुम्हारा देखो, ये तो testis हो गया बच्चा लोग, ठीक। ये जो तुम्हारा part हो गया तुम्हारा क्या? Reti testis, ठीक। ये जो part हमारा क्या हो गया? इस part को हमने बोला, this part is called reti testis। इसको हमने क्या बोला? This part is called reti testis। मेरे को रिप्लाई करो, रेटी टेस्टिस में कौन सा टाइप का एपिथेलियम होता है? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज फाउंड इन द रेटी टेस्टिस? इसमें तुम्हारा कुछ टाइप एपिथेलियम फाउंड, रिप्लाई करो, रेटी टेस्टिस में कौन से टाइप का एपिथेलियम होता है? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड रेटी टेस्टिस? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन द व्हाट भाषा इफरेंसिया, ठीक। ये तुमको होमवर्क दे दिया, ठीक। अगर कोई है तो बताओ यहाँ पे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम, ये तुम्हारे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज देयर इन द रेटी टेस्टिस, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम इज देयर इन द भाषा इफरेंसिया, ठीक। एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स? चलिए तुमको होमवर्क में दे दिया, ठीक, इट इज होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट क्लास में मेरे को रिप्लाई, अगेन मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, ठीक। मैं तुमको एपिडिडिमिस का डिस्कस कर दे रहा हूं, तुमको तुम मेरे को इसके बारे में बोलना, रेटी टेस्टिस इज लाइंड बाय व्हिच काइंड ऑफ एपिथेलियम, ठीक, एंड भाषा इफरेंसिया लाइंड बाय व्हिच काइंड ऑफ एपिथेलियम। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एपिडिडिमिस के बारे में डिस्कस हम करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे अबाउट एपिडर्मिस के बारे में, सॉरी एपिडिडिमिस थोड़ा डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आएगा इससे आता है, तुम्हारा एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एपिडर्मिस तुम्हारा है, ठीक। तो ये तो तुम्हारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया बच्चा लोग, एपिडर्मिस जो तुम्हारा है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। एपिडिडिमिस का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक। इसका पहला फंक्शन तुम्हारा क्या है? इट इज द साइट फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इट इज द साइट फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, याद रखना। यहां पे स्पर्म मैच्योर होते हैं, इट इज द साइट फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। इसका मतलब क्या तुम्हारा? जब स्पर्म यहां पे पहुंचते हैं तो स्पर्म दे गेन देयर मोटिलिटी। एपिडिडिमिस पे तुम्हारा क्या होता है? देखो, स्पर्म तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूबल से तुम्हारा क्या हुआ? रेटी टेस्टिस, सिनन बेटा गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, यासिका गुड मॉर्निंग,
नंदिता गुड मॉर्निंग, नमिता गुड मॉर्निंग, एपिडिडिमिस ठीक। जब स्पर्म तुम्हारा आया सेमिनिफेरस ट्यूबुल से रेटी टेस्टिस एंड उसके बाद तुम्हारा आया कहां पे भासाइफरेंसिया देन आया एपिडिडिमिस में, तो तब तक दे इमोटाइल। बट व्हेन द स्पर्म रीचेस हियर, जब स्पर्म यहां पे पहुंच जाते हैं तो स्पर्म दे गेन देयर मोटिलिटी, स्पर्म दे गेन देयर मोटिलिटी, स्पर्म उनका मोटिलिटी वो गेन करते हैं, दे गेन देयर मोटिलिटी, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म ठीक। एंड ऑल्सो स्पर्म ऑल्सो गेन द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा है, एपिडिडिमिस इज द साइट फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। ओके एनीवन रिप्लाई, यहां पे क्या ऐसा होता है सो दैट स्पर्म बिकम मैच्योर, व्हाट हैपेंस हियर, यहां पे ऐसा क्या होता है एपिडिडिमिस में सो दैट स्पर्म मोटाइल हो जाते हैं, स्पर्म गेन करते हैं कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, क्या होता है यहां पे? एनीवन रिप्लाई, एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर सो दैट, व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर सो दैट स्पर्म दे बिकम मोटाइल, स्पर्म दे बिकम मोटाइल एंड देन दे गेन द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, क्या होता है यहां पे? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स, देखते हैं किसने रिप्लाई दिया। अरे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, एपिडिडिमिस यस सम केमिकल्स आर रिलीज, यस यस सम केमिकल्स यहां पे रिलीज होता है, जैसे कि एक ने रिप्लाई दिया यार यस कुछ केमिकल्स, ये कुछ केमिकल रिलीज तुम्हारे करता है लाइक तुम्हारा सियालिक एसिड ठीक, सियालिक एसिड वो रिलीज करता है ठीक तुम्हारा, और एक केमिकल तुम्हारा क्या ग्लिसरल फॉस्फोरिल, ग्लिसरल फॉस्फोरिल कोलिन एक केमिकल रिलीज होता है यस, इट प्रोड्यूसेस सियालिक एसिड फॉस्फोलिपिड लाइक ग्लिसरल फॉस्फोरिल कोलिन, सो सम केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ठीक, एंड दोज केमिकल्स what they do, they activate the sperm, they mature the sperm, तो ये तुम्हारा इसका इंपोर्टेंस है ओके। और इसका फंक्शन तुम्हारा क्या है, इट ऑल्सो टेम्पोरारी स्टोर द स्पर्म, टेम्पोरारी स्टोरेज, टेम्पोरारी ये तुम्हारा स्टोरेज करता है टिल इजैकुलेशन, इसका एक काम हो गया फंक्शनल मैच्योरेशन और एक तुम्हारा काम इसका क्या हो गया, ये टेम्पोरारी स्टोरेज करता है, तो टिल इजैकुलेशन द एपिडिडिमिस विल स्टोर द स्पर्म, समझ में आ गया? सो ये तो एपिडिडिमिस तुम्हारा वेरी वेरी तुम्हारा इंपोर्टेंट है ठीक। तो देखो ये हो गया हमारा एपिडिडिमिस, ये वाला पार्ट हम डिस्कशन कर रहे थे, ये कैपुट कॉर्पस एंड कोडा, उसके बाद तुम्हारा क्या, इट लीड्स इनटू स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब में तुम्हारा ये चले गया ठीक, इसको हमने क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं भास डिफरेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट स्पर्म डक्ट, इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म यहीं पे तुम्हारा आएगा और ट्रांसफर बाहर की तरफ तुम्हारा जाएगा, कहां पे ये जाएगा तुम्हारा यूरेथ्रा में ठीक, तो इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, भास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट ओके। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, भास डिफरेंस जाके ज्वाइन करेगा तुम्हारे कहां पे, यूरेथ्रा में। अब थोड़ा वो देखते हैं क्या होता है, देखो समझ में आ गया, सपोज मैं बोलूं ये हमारा, सपोज ये बच्चा लोग तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर ठीक, ये ब्लैडर हो गया तुम्हारा ठीक, ये ब्लैडर हो गया यस, ब्लैडर तुम्हारा हो गया, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर, सपोज ठीक। सो अब तुम्हारे यहां पे क्या हो रहा है, देखो इस जगह पे तुम्हारा क्या होगा यहां पे, सो हम तो पढ़ेंगे तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ी डिटेल में तुम्हें बोलूंगा, यहां से वास्ट डिफरेंस यहां से आ रहा है, सपोज स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट तुम्हारा आ रहा है, स्पर्म डक्ट
और वास्ट डिफरेंस। ओके, ये निकला तुम्हारा कहां से? एपिडर्मिस से तुम्हारा निकला। ये देखो, ये जो वास्ट डिफरेंस तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा ये निकला यहां से ऊपर की तरफ उठ रहा है। वास्ट डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम द कोटा एपिडर्मिस, ऊपर की तरफ तुम्हारा जा रहा है तुम्हारा। इट असेंड्स अपवर्ड, ठीक। एंड ये क्या करता है, इट फॉर्म्स ए लूप ओवर द ब्लैडर। ये ब्लैडर के ऊपर एक लूप फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स ए लूप, इट फॉर्म्स ए लूप ओवर द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर नहीं घुसता है लेकिन उसके ऊपर ये जाता है, इसको हम लूप बोलते हैं, ठीक। इट फॉर्म्स ए लूप ओवर द ब्लैडर। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहां पे हमारा होता है सेमिनल वेसिकल्स होता है, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक। उसका डक्ट रहता है, सेमिनल वेसिकुलर डक्ट, ठीक। तो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक, के साथ ये आके तुम्हारा यूनाइट हो जाएगा, ठीक। और एक तुम्हारा कॉम्बाइंड डक्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया हमारा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ये तुम्हारा उसका डक्ट, दिस वन डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक। ये तुम्हारा आ गया वास्ट डिफरेंस आ गया। तो नाउ दे कॉम्बाइंडली जॉइन एंड दे फॉर्म ए कॉमन डक्ट, दे फॉर्म ए कॉमन डक्ट, इसको हम बोलेंगे तुम्हारा क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। तो बोथ साइड में तुम्हारा ये होता है, बोथ साइड तुम्हारा होता है, ठीक। अब उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, देखो यहां पे ये कॉमन पैसेज हो गया। तो जो स्पर्म तुम्हारा था यहां पे आया, तो स्पर्म यहां पे आता है अल्टीमेटली, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड यहाँ पे मिलता है। एंड अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होता है, स्पर्म तुम्हारा आएगा कहां पे, तुम्हारा यूरेथ्रा। तो ये होता तुम्हारा पैसेज उसका, ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा हो गया वास्ट डिफरेंस, इट असेंड्स अपवर्ड, इट फॉर्म्स ए कॉइल ओवर द ब्लैडर। ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर तुम्हारा हो गया, ठीक, कॉइल करता है। देन इट जॉइन विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म ए कॉमन डक्ट, दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। बोथ साइड यहां पे तुम्हारे, तो अल्टीमेटली तुम्हारे यहां पे ये आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा आ गया, ये हो गया तुम्हारा यूरेथ्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, ठीक, जो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा है यूरेथ्रा, ठीक, ये हो गया तुम्हारा यूरेथ्रा। सो ये जो यूरेथ्रा तुम्हारा है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो यूरेथ्रा तुम्हारा है, इस मल्टीबेटा गुड मॉर्निंग, असलन गुड मॉर्निंग, ठीक। सो नेक्स्ट पार्ट तुम आओ, सो दिस इज द यूरेथ्रा ऑफ द ह्यूमन बींग, यूरेथ्रा तुम्हारा होता है। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है। Here we have the prostate gland. We have the single prostate gland. So the part of the urethra surrounded by prostate gland. So इस part को हम क्या बोलते हैं? It is called prostatic urethra. This part is called prostatic. This is called prostatic urethra. ठीक? थोड़ा सा नीचे आ जाओ। यहाँ पे दोनों साइड में तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे वी हैव द कॉपर्स ग्लैंड तुम्हारा है, और ये हमारा हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये तुम्हारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया हमारा कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे ये जो पार्ट हो गया यूरेथ्रा का, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद तुम्हारा क्या, यहां पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हियर वी हैव द पेनिस, यहां पे हमारा पेनिस है, यहां पे, यहां पे मेल का क्या है तुम्हारा, मेल का पेनिस यहां पे, ठीक। तो जिस पार्ट में पेनिस सराउंडेड हो गया तुम्हारा है, तो दिस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज कॉल्ड पिनाइल यूरेथ्रा, दिस पार्ट इज कॉल्ड पिनाइल यूरेथ्रा, समझ में आया। तो यूरेथ्रा एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं।
30 सेंटीमीटर लॉन्ग ये हो जाता है, ठीक, यूरेथ्रा। तो एक होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक, ये वाला पार्ट जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, तो जहां पे तुम्हारा कॉपर्स ग्लैंड है ये तुम्हारा, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाला पार्ट तो हमने तुम्हारा क्या बोला, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो जिस पार्ट में पेनिस है, ये वाला पेनिस एरिया तुम्हारा हो गया पेनिस, तो ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे पिनाइल यूरेथ्रा। सो और तुमको क्या पता है, ये जो यूरेथ्रा तुम्हारा है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ द यूरिन, ठीक। ये तुम्हारा यूरेथ्रा तुम्हारा बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू ए कॉमन ओपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। समझ में आया, यूरेथ्रा ओपन फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रा ओपन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस, ठीक। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड द सीमेन, यहां से सीमेन भी फ्लो होता है, यहाँ पे यूरिन भी तुम्हारा फ्लो होता है। ऑल क्लियर, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले वाला डायग्राम में हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने पढ़ा यूरेथ्रा के बारे में, यूरेथ्रा इज एप्लोइड डक्ट, ठीक। तो कुछ डाउट है तो पूछो। तो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा स्लाइड थोड़ा जस्ट दिखा दे रहा हूं, बिकॉज तो टाइम हो जाने वाला है अभी। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे पेनिस से पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रह गया, ठीक। तो हमने पहले ये इवेंट सब पढ़ा, क्या क्या इवेंट सब है, ठीक। फिर उसके बाद हमने स्क्रोटम पढ़ा, टेस्टिस पढ़ा, एसेसी डक्ट हमने पढ़ा, ओके। देन हमने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा ये सब, क्रिप्टोचिडिज्म और चिपेक्सी, ओके। वी रेड अबाउट द इजैकुलेट डक्ट के बारे में हमने पढ़ा, यूरेथ्रा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हारा पढ़ेंगे पेनिस। स्टूडेंट्स मैं तुम्हारा टाइम हो गया तुम्हारा बेटा लो, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पेनिस, बाकी सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे, ठीक। सो होप यू लाइक द क्लास।